उजाड़ कर दिया मेरा सारा कर दिया, मैं किधर जाऊंगी, किधर मकान किराए दूं खड़ी जाऊंगी। अभी साथ में ही एक और दुकान है, साथ में ही दुकान है, मैडम चलते जाइए। क्यों क्यों नहीं बोलना चाहते आपकी दुकान सुरक्षित है इसलिए नहीं बोलना चाहते? सबको जो चल रहा है वो बात नहीं है ना, वो सबका अब उनका अपना तरीका होता है, सरकार का जो कर रही है वो अपने हिसाब से कर रही है। अच्छा बढ़िया काम कर रही है। अब ये तो पता नहीं, वो उनको ही पता होगा जो महंगाई की मार है कि नहीं है। हाँ महंगाई की मार है, वो तो है। अब उनका निशाना होता है उसमें सभी लपेटे में, तो सब निशाना निशाना किस पे है? सभी जगह पर है, बोल दीजिए, सबका पता है। सब सरकार लोड दे रही है, लोड लेना पड़ेगा। वो चीज नहीं है मैडम, आप उस चीज को लिंक मत करो, वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोधी रोड, और लोधी रोड पे यहाँ पे अतिक्रमण के नाम पर आप सामने देख सकते हैं रेडी पटरी वाले और उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, और लगातार जो उनकी ये मंदिर है, साईं बाबा मंदिर है पास में ही, और पास में ही ये उनकी दुकानें लगी हुई हैं, जो वो छोटा मोटा रोज़गार करते हैं, छोटे मोटे मालाएं वगैरह इस तरीके का वो बेचते हैं। आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से वो लगातार जो दुकानें लगी हुई थी उनको तोड़फोड़ की जा रही है, और पुलिस टुकड़ी जो है यहाँ पर मौजूद है, MCD की गाड़ी वहाँ पर मौजूद है। सामने आप ये देख सकते हैं ट्रक, उनकी जो दुकानें छोटी मोटी ईंटों से जो बना रखी थी उन्होंने, अपनी फट्टे लगाकर बना रखी थी, उसको तोड़ दिया गया है। जो उनका सामान था उस तक को जो है तोड़ दिया गया है, और आपको अभी मैं दिखाऊंगी। अभी एक जो आदमी है, जो पुरुष है यहाँ पे, जो अपनी दुकान लगाते थे, उनकी उन्होंने तस्वीरें थी, उनकी कांच से बनी हुई तस्वीरें थी, भगवान की ही तस्वीरें थी, उस पर भी तोड़फोड़ कर दी है। और यहाँ पे सामने देख लो आप किस तरीके से, सामने देख सकते हैं आप किस तरीके की तस्वीरें हैं। कैमरामैन को कहूँगी थोड़ा सामने से दिखाए, पूरे पुलिस फोर्स मौजूद है, कि जैसे यहाँ पर आतंकवादी घुस आए हो, आप सामने देख सकते हैं पुलिस फोर्स है, सामने MCD है, बुलडोज़र अभी आया नहीं है, क्योंकि बुलडोज़र जो है देश का प्रतीक बन चुका है इसीलिए। तो अब जो बुलडोज़र आया नहीं है, मगर MCD की गाड़ी मौजूद है, जो उनका छोटा मोटा रोज़गार जिससे उनका गुजारा भत्ता चलता था, वो सामान जो है उठा करके MCD वाले ट्रक में भर दिया जा रहा है। और सामने सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, मैं कैमरामैन को कहूँगी थोड़ा सा यहाँ पर दिखाएं, ये यहाँ पर ही इनके जो है घर मकान बने हुए हैं, जो उन्होंने बना रखे हैं, कच्चे पक्के मकान हैं, वही लोग सारे हैं, गरीब मजदूर लोग हैं, जो जिनकी रोज़ी रोटी ये छोटा मोटा रोज़गार करके चलती थी। सामने आप देख लीजिए किस तरीके से एक महिला है बुजुर्ग, ये ईंटें बटोर रही हैं, अब उठा के डाल रही हैं उसमें, और उनकी दुकान तोड़ दी गई है। जिनकी दुकान तोड़ दी गई है वो आगे किस तरीके से अपने घर का गुजारा करेंगे और कैसे अपनी रोज़ी रोटी चलाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। मगर क्या बुलडोज़र जो इन गरीबों पे चल रहा है, क्या पौश इलाके और ये जो सत्ता में बैठी सरकार है उनके ऊपर भी चलेगा? जिस तरीके से अतिक्रमण के नाम पर बुलडोज़र चल रहा है लगातार दिल्ली में, आप देख सकते हैं सीधे सीधे तौर पर, कभी शाहीन बाग में, कभी जहांगीरपुरी में, तो अभी मंगोलपुरी में भी आपने देखा, अभी मैंने आपको कश्मीरी गेट का भी दिखाया, और अब जो है आप यहाँ पे लोधी रोड पे सामने देख सकते हैं साईं बाबा मंदिर है पास में ही, उसी की ये छोटी मोटी दुकानें लगी हुई हैं जिससे इनका गुजारा चलता था। कोई अमीर लोग नहीं है, आप सामने देख सकते हैं चाय वाले की दुकान है, सामने छोटे मोटे रोज़गार करने वाले ही लोगों का घर है, जो कच्चे पक्के मकान बने हुए हैं, ईंटों से उन्होंने बना रखा है, त्रिपाल डाली हुई है, बल्लियाँ फट्टियाँ हैं, सामने देख लीजिए आप, इन्हीं लोगों की यहाँ पे घर मकान बने हुए हैं, और इन्हीं लोगों की यहाँ पे दुकानें हैं। वैसे तो सरकार मंदिरों की और जय श्री राम के नारे लगाकर बात करती है, मगर मंदिर के नाम पर ही अब जो है उन्हीं लोगों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं। जो श्री राम जी की तस्वीर थी उसी को तोड़ दिया गया है, अब उसी को तोड़ दिया गया, उसके बाद बटोर के अब MCD वाले ट्रक में उठाकर भी ले जा रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं उनकी जो दुकान है, जिस ईंटों पर बना रखी थी उन्होंने फट्टा लगाकर, वो ईंटें बटोर कर डाली जा रही हैं इस MCD वाले ट्रक में। अम्मा आप यहीं रहती हैं बेटा, आपकी भी दुकान थी यहाँ पे? ये दुकान मेरी है बेटा, ये आप ही की दुकान है, सामने दिखा दीजिए, ये अम्मा की दुकान थी। क्या सामान आप रखती थी? बाबा की मूर्ति, बाबा की फोटो, बाबा की मूर्ति, बाबा की फोटो, हाँ भगवान की ही जो है, शिव जी महाराज की,
हनुमान जी की सुर्खियाँ की रखी हूँ बेटा। क्या नाम है आप? नाम मेरा आदमी का नाम पिताराम है, मेरा नाम मुन्नी है। मुन्नी जी आप यहाँ पे जो है अपनी दुकान है और रहती कहाँ है? यहीं रहती हैं? यहीं रहती हूँ, ये दुकान ही घर है, दुकान ही है। दुकान ही इनका घर था और दुकान से ही इनका गुजारा बसर चल रहा था। अब क्या हूँ, मकान किराए दूंगी, ठहरूंगी। आपको ये नोटिस दिया गया था क्या दुकान तोड़ने से पहले? नोटिस कुछ नहीं दिया गया बेटा, नोटिस नहीं दिया गया। आपने पूछा भी नहीं कि नोटिस नहीं मिला है हमें? नहीं, नोटिस नहीं मिला, माना नहीं मिला नोटिस। बिना नोटिस के आपकी दुकान पर तोड़फोड़ चालू कर दी? चालू कर दी, देखो आपका सामने कर दी, सामने करिए बेटा। अब कितने लोग हैं आपके परिवार में? एक तेरा अंकल है, एक मैं, दो ही हाँ, बूढ़ा आदमी हाँ, 50 साल का होगा। क्या उम्र है आपकी? 50 साल। 50 साल की उम्र है, दुकान चलाती थी? हाँ, 50 साल की उम्र है, दुकान चलाऊँ। आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है गरीबों को ही जो है मजबूर करके उनकी तोड़फोड़ कर रही है, उन्हीं के घरों को उजाड़ कर रही है? उजाड़ कर दिया मेरा सारा, कर दिया। मैं किधर जाऊँगी, किधर मकान किराए दूँ, खड़ी जाऊँगी? तोड़फोड़ सारा कर दिया मेरा तो, अरे कोई काम करने वाला भी कोई नहीं है मेरे तो, कोई काम नहीं है। और आपके बेटा बेटा नहीं है? बेटा है तो गांव में है, इधर मैं दोनों उधर रहा, मानने 18 साल की बेटा रहता, 18 साल की थोड़ा दिन नहीं है, 18 साल में अभी ये परेशान करें, 18 साल में परेशान नहीं करिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इनसे अभी बात करी, इनकी आंखों में आंसू है और बोल रही है इसी तरीके से उनका गुजर बसर चलता था। अभी 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 ये दुकान वाले ही भैया है, इन्हीं से पूछ लेते हैं। अभी आगे से मैं आपको तोड़फोड़ दिखाती हुई आ रही हूँ, जो अम्मा की दुकान तोड़ दी गई है, अब ये इस दुकान की बारी है। सामने दिखा दीजिए कैमरा मैन को, कहूँगी मैं ज़रा सामने। भैया आपकी दुकान कब से चल रही थी यहाँ पे, कितने टाइम से लगा रहे हैं जी? हमारे तो बाप दादाओं के ज़माने से दुकान चल रही है यहाँ पे। बाप दादाओं के ज़माने से जी? 1981 की तो पर्ची है हमारे पास यहाँ की। पर्ची है आपके पास? दिखाया आप लोगों लोगों ने? हमारे पास ऑर्डर भी है, ऑर्डर भी है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है हमारे पास, यहाँ पे लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल परमिशन है। बावजूद भी आपकी दुकान पे ये तोड़फोड़ कर दी जा रही है? बिल्कुल। अब नाम क्या है आप? मेरा नाम मुकेश कुमार है जी। मुकेश कुमार है। मुकेश जी, तो आपके पास पर्ची भी है, आपके पास ऑर्डर भी है, उसके बावजूद भी आपकी दुकान तोड़ दी? जी सब कुछ है जी हमारे पास। तो सरकार क्या अपनी सत्ता का पावर दिखा रही है आप लोगों पे? अब सरकार दिखा रही है, कौन दिखा रहा है तो दिखाने वाले ही जाने, अब क्या कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ से दुकान वकान आपकी? मैं देख रही हूँ हनुमान जी की तस्वीर सामने दिखा दीजिए ज़रा, हनुमान चालीसा बोली जाती है, हनुमान की तस्वीर को ही जो है इस तरीके से अब उठाकर साइड में रख दिया गया है। आप देख सकते हैं सीधी सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ सामने। अभी इनसे मैंने बात की, अभी आगे भी चलिए मैं आपको दिखा दूंगी। सामने जो है सब खड़े हुए हैं, पुलिस टुकड़ी मौजूद है यहाँ पर, किस तरीके से पहरा लगा हुआ है इनके ऊपर आप देख लीजिए। अभी जो है उस दुकान की बारी आने के बाद आप सामने देखिए, सारा जो इनका कारोबार है, जो जो छोटी मोटी दुकान है, वो यही मूर्तियाँ बेचकर इनका रोजगार चलता है। और ये मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा आप देख लेंगे हनुमान जी हैं, हनुमान जी की चालीसा बोली जाती है मगर हनुमान जी को दरकिनार कर दिया जा रहा है। आप सीधे सीधे तौर पर अब अंदाज़ा लगा लीजिए ये बुलडोज़र तंत्र लाया जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? राजू। राजू नाम है। राजू कब से लगा रहे हैं आप ये दुकान? 40 साल। 40 साल से? 40 साल से ऐसा हुआ कि कभी आया बुलडोजर तोड़ने आया? फर्स्ट टाइम हुआ। फर्स्ट टाइम हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये जब मोदी की सरकार है तभी हो रहा है? इनसे पूछो, चलो बोल दीजिए, कोई बात नहीं, तोड़ फोड़ हो रही है आपके साथ। अम्मा क्या नाम है आपका? ओमती। ओमती जी आपकी दुकान है ये? तो ये 40 साल से, अभी भैया ने बताया कि 40 साल से दुकान लग रही है, कभी ऐसी तोड़फोड़ हुई उससे पहले? पहली बार हो रही है। पहली बार हो रही है? देश में सब कुछ पहली बार हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये पता नहीं जी, पता नहीं ये करा रहा है या मोदी करा रहा है, कोई पता नहीं, कौन करा रहा है भगवान। आपको जो है ऑर्डर, आपके पास ऑर्डर वगैरह है सब? है, सब कुछ है। दिखाने के बाद भी तोड़ दी आपकी दुकान? देख लीजिए, एक एक से मैं बात कर रही हूँ, सबके पास ऑर्डर है, पर्ची है, उसके बावजूद भी दुकान तोड़ दी जा रही है। सामने देख लीजिए, अभी लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ तस्वीरें, लगातार एक के बाद एक दुकान की बारी आ रही है। अब इसके बाद किसकी बारी है आप समझ लीजिए। ये सामने देख लीजिए, अभी ये भी शेरावाली माता की मूर्तियाँ है, राधे कृष्णा की मूर्ति है, हनुमान जी भी बैठे हैं, साईं बाबा भी बैठे हैं, क्योंकि हमारे देश की एकता भी यही कहती है कि सभी सबका मालिक एक है। मगर हनुमान जी की चालीसा को तो इतना तवज्जो दी जा रही है, मगर अब जो है हनुमान जी की तस्वीरें ही
साइड में रख दी गई हैं, उनको हटा दिया गया है। अभी सामने एक तस्वीर थी जो तोड़फोड़ भी कर दी गई थी। आप सोच लीजिए किस तरीके से हनुमान चालीसा के नाम पर और बुलडोजर के नाम पर क्या हो रहा है। अभी इन्हीं से जान लेते हैं, क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका, नीचे आ जाइए थोड़ा सा, बता दीजिए, गुस्सा है वो उतार लीजिए, बोल भी नहीं पा रही हैं ये, इतनी नाराजगी है इनके अंदर, पर बोलेंगे कैसे। आपकी भी दुकान का नंबर आ गया, सभी का एक साथ ही है। कितने टाइम से लगा रही थी आप ये दुकान? ये मेरे पेरेंट्स लगा दे करीब 40-45 साल से, जब से मंदिर है 40-45 साल हो गया। क्या नाम है आपका? मेरी मदर, मेरे पापा दुकान लगा दे, मेरा नाम तो भावना है। भावना जी, क्या सरकार को भावना के ऊपर भी तरस नहीं आया? हम तो बहुत मामूली चीज है, किसी पे तरस नहीं, हम क्या चीज है। क्योंकि खान के ऊपर तो तलवारें चल जा रही हैं, बुलडोजर चल जा रहा है, ये भावना जी हैं, भावना के ऊपर भी सरकार ने तरस नहीं खाया, आप देख लीजिए। तो ये 40 साल से आप, 40-45 साल से आप लगा रही है, ऑर्डर वगैरह है, पर्ची वगैरह है? मेरी मदर दुकान लगा दी, मेरे पेरेंट्स लगा देते हैं। नोटिस दिया है आपको? एक्चुअली तो नॉर्मल दुकान है ना, इनकी कोई नोटिस नहीं है। ये दोनों खोलो, सामने आप देख सकते हैं, मैं बात कर रही हूँ, मगर उनको दुकान खोलने का ऑर्डर दे दिया गया है। उनकी दुकान को, जो बल्ली फट्टी से उनकी दुकान लगी हुई थी, उसको खोलने का ऑर्डर दे दिया है। देख लीजिए किस तरीके से इन्होंने अपना जो है गुजारा भत्ते के तौर पर ये बल्ली फट्टी बांध कर ये गुजारा कर रहे थे। 40-45 साल पुरानी ये दुकानें हैं, इसके पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इन्हीं लोगों को, अभी मैंने इन्हीं लोगों से ही पूछा है, कभी भी इस तरीके का कोई ऑर्डर नहीं आया, कभी भी इस तरीके से तोड़फोड़ नहीं हुई, मगर देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब इनकी दुकानों के अभी नंबर आ चुका है। अभी देखिए, आप देखते जाएंगे बारी बारी से किस किस का नंबर आएगा। सामने लगातार दुकानें हैं, अभी एक एक से मैं बात कर रही हूँ, बेचारों के अंदर इतना डर और भय पैदा कर दिया है कि जल्दी जल्दी वो दुकानें खोल रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बल्लियाँ फट्टियाँ अपनी हटा रहे हैं कि उनके सामान की तोड़फोड़ ना हो जाए। अभी इन्हीं से जान लेते हैं, क्या नाम है भैया आपका, इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? सतीश जी, आगे आ जाइए। टीका आपने इतना अच्छा लगा रखा, सामने दिखा सकते हैं, टीका लगा रखा है, बहुत परम भक्त होंगे आपको मालूम होगा, भगवान जी की पूजा करते हैं बढ़िया तरीके। जी जी जरूर पूजा करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। पढ़ते हैं जी। फिर भी आपकी दुकान तोड़ दी गई? मैडम ऑर्डर है हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट सबके, हमारे पास ऑर्डर है। ऑर्डर है आपके पास? ऑर्डर दिखा दिया आपने इन लोगों को? मैडम हमें वो छेड़ा नहीं गया, यहाँ हम दायरे में बैठने के लिए बोला गया, अभी तक तो अभी बैठने को बोला गया आपको, बैठने के लिए बोला गया, कोई छेड़छाड़ नहीं किया, मगर आगे तो तोड़ दी गई है, आगे तोड़ दी गई है उनके पास ऑर्डर, पुराने वो ऑर्डर फॉलो करके चल रहे हम लोग, उनके पास भी ऑर्डर है, पर्ची है, मगर तोड़ दी गई उनकी दुकान। तो जो सात के कानून तहत हमें बैठने ऑर्डर दिया गया है, इन्होंने दिया है, हमें रात दी है, हमें दी है, हाँ जी, मगर उनके लोगों के तो तोड़ दिए, सामने अभी मैं दिखाती आ रही हूँ, ऑर्डर उनके पास नहीं है, इसलिए आपकी दुकान को अभी छोड़ा हुआ है, सबका है। ये देख सकते हैं सामने लगातार दुकान की कतार है, सामने से दुकानें मैं आपको दिखाती आ रही हूँ, टूटती जा रही हैं, उनका सामान उठा लिया जा रहा है, मगर इसी कतार में एक ये दुकान है जिसको अभी बोला गया है रुक जाइए और आपकी दुकान अभी सुरक्षित है, समझ लीजिए आप। अभी अभी मैं आगे भी चलती हूँ, ये भी बैठी हुई है, इनका सामान भी जड़ बसड़ सा कर दिया है। क्या नाम है आपका? सुनीता सैनी। सुनीता सैनी जी, आपकी दुकान का भी नंबर आ गया? वो तो सभी के साथ होता ही है। क्यों आ रहा है ये नंबर, क्यों आ रहा है ये नंबर, पता नहीं क्या ऑर्डर है, हमें नहीं पता है, अब जो होगा इनको ज्यादा पता होगा। आपके पास नोटिस वगैरह आया था? ये तो कमेटी का काम ही है, आना जाना, इसमें हम कुछ क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, इससे पहले आपकी दुकान कब से चल रही है ये बताइए? 40 साल से चल रही है। 40 साल से ऐसा हुआ, MCD आई, बुलडोजर आया, तोड़फोड़ मचाई हो? चलता रहता है हमेशा, हमेशा चलता रहता है, मगर कुछ लोगों से जाना है, अभी 40-45 साल पुराने ही है, कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं नहीं, चलता रहता है, बीच बीच में तो ड्राइव चलता रहता है, इसमें कोई वो नहीं है। इससे कुछ परेशानी हो रही है या सही हो रहा है? बहुत होती है, लेकिन ये कि एक्स्ट्रा जो लगा लेते हैं उनको ये लोग हटाने आते हैं, तो छत वगैरह हटा देते हैं बस, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कुछ नहीं, अभी सुरक्षित है आपकी दुकान? हाँ हाँ, हमें इतना जो तो एक्स्ट्रा है उसको हटाया है बस, बाकी कुछ टेंशन नहीं। अच्छा, पूजा पाठ करती हैं? बिल्कुल करते हैं। भगवान का नाम लेती हैं? बिल्कुल। चालीसा पढ़ती हैं? पढ़ती हूँ। पढ़ती हैं, चालीसा पढ़ती हैं आप, यानी आती भी होगी? मैं आजकल हनुमान चालीसा आती है? हाँ जी पढ़ते हैं। हाँ जी, मंदिर के पास लगाई है, हनुमान चालीसा आती है, भगवान के परम भक्त है, फिर भी बुलडोजर चल गया आपके?
देखिए ऐसा है, जो गवर्नमेंट का रूल है, सिस्टम है, उसके उससे अंगेज तो कोई नहीं जा सकता ना। क्यों नहीं जा सकता? आपके पास अगर ऑर्डर होगा, आपके पास सब कुछ होगा, पर्ची वगैरह होगी, उसके बाद भी तोड़ देंगे आपको? मतलब खुश रहेंगे आप? देखो जो जैसे खुश है कि ये तोड़फोड़ हो रही है, खुश है तो कोई भी नहीं होता है, खुश कोई भी नहीं होता है। लेकिन क्या करें, जब अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो वो काम कर रहे होंगे, तो उसमें खुश और ना खुश कोई बात ही नहीं है ना। आपको नोटिस दिया है क्या? नोटिस नहीं दिया जाता है, इसमें गवर्नमेंट अपने रूल के हिसाब से काम करती है। नोटिस नहीं दिया जाता है? नहीं, आधे से ज्यादा लोग बोल रहे हैं नोटिस दिया जाता है। नहीं, इसमें नोटिस नहीं दिया जाता है, सीधा आके तोड़फोड़ मचा दी जाती है। पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इस दिन आएंगे। किया था आपको? सबको करते हैं। कब किया था इनफॉर्म? एक वर्बली न्यूज में आया हुआ है। आपको इन्फॉर्म किया था? हमारे को स्पेशल इन्फॉर्म नहीं किया गया है। आपको नहीं किया गया? देख सकते हैं इन्होंने टीका लगा रखा है, इनकी दुकान सुरक्षित है। अभी कतार के साथ ही मैं दिखाती आ रही हूँ, कुछ लोगों की दुकान जो है आगे से तोड़ दी गई है। कतार में ये दुकानें हैं, उनकी दुकान सुरक्षित है। अभी इनसे मैंने बात करी, इनकी दुकान में अभी थोड़ा बहुत तोड़फोड़ कर दी है, मगर बोल रही हैं सुरक्षित है। अभी आगे भी आप देख लीजिए, लगातार यहाँ पे तकरीबन आप 16-17 के करीब दुकानें होंगी। साईं बाबा मंदिर है पास में, और परम भक्त भी हैं लोग, यहाँ पे चालीसा भी पढ़ते हैं। ये दुकान भी यहाँ पे उसी कतार में है, सबसे पहला नंबर था इस दुकान का, पर अभी दुकान सुरक्षित है, जो शुरुआत की गई वहाँ से कर दी गई है। अभी आपका क्या नाम है? अविनाश। अविनाश जी, आपकी दुकान है ये? हाँ जी। कब से लगा रहे हैं फूल माला? मैडम हो गए कम से कम 20 साल। 20 साल हो गए आपको? तो 20 साल में कभी ऐसा देखा आपने कि इस तरीके से तोड़फोड़ कर दी गई हो? मैडम आते हैं तोड़फोड़ करके फिर जाते फिर चले जाते हैं, मतलब होता रहता है, होता है। आप लोगों को भी आदत पड़ गई? आदत में ऐसा है ना कि जो चीज़ एरिया हमको मिला, अगर उसके अंदर हम लोग हैं तो ठीक है, अगर उसके बाहर आएंगे तो हम दिक्कत होगी। दिक्कत हो रही है, ये सब हो रहा है। ऐसे नहीं आते हैं, रेगुलर नहीं आते हैं, कभी 2 महीने 4 महीने 6 महीने जब हाँ एक्सेस अगर हम लोग एरिया से बाहर आ रहे हैं तो उसमें दिक्कत होती है। जो चीज़ हमको प्रोवाइड करी गई अगर उसके दायरे में है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको भी बोला गया कि आपकी दुकान भी हटाएगी, यहाँ से हटाया जाए? नहीं मैडम। क्यों नहीं हटाई जाएगी मैडम? मैम दायरे में, तो दायरे में देखिए, वो दुकान जो है लाइन से, मैं आपको कतार मैं दिखाती आ रही हूँ, लाइन में ही है, आपकी भी उसी लाइन में है, उसी कतार में आपकी लाइन है, तो कतार में ही आपकी दुकान है। ऑथराइज है, लाइसेंस है हम लोगों के पास, आपके पास लाइसेंस है, मगर आगे सामने उन लोगों के पास पर्ची और ऑर्डर भी है, फिर भी तोड़ दी। तो मैम नहीं, जिसके पास ऑर्डर है उसका नहीं छेड़ा जा रहा है, जिसके पास छेड़ दिए उनकी दुकान तोड़ दी है। मैडम कोर्ट में केस चल रहा है, जिसका कोर्ट में केस चल रहा है उसके साथ दिक्कत है, जिसका कोर्ट में केस नहीं है, जैसे हम ऑथराइज है, हमारे पास लाइसेंस वगैरह सब कुछ है, तो हम बैठे हुए, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, ये चीज नहीं कहेगा। अभी सामने देख लीजिए, मैं इसी कतार से लाइन दिखाती आ रही हूँ आपको, दुकानें दिखाती आ रही हूँ, और जो है भी इनसे अविनाश से भी बात की हमने, ये कह रहे हैं कि हमारी ऑथराइज है मगर हमारी नहीं तोड़ी जाएगी। अभी साथ में ही एक और दुकान है, उसमें क्या है, साथ में ही दुकान है, तो रहे इधर ये वाले दुकान है। मैडम चलते जाइए। क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? आपकी दुकान सुरक्षित है इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं? ऐसी बात नहीं है, सबको जो चल रहा है वो बात नहीं है ना, वो सबका अब उनका अपना तरीका होता है, सरकार का जो कर रही है अपने हिसाब से करता है। अच्छा बढ़िया काम कर रही है। अब ये तो पता नहीं, वो उनको ही पता होगा, जो महंगाई की मार है कि नहीं है, वो तो है महंगाई की मार, वो तो है है ना। तो इसी बीच में जो है आपकी दुकानें जो तोड़ फोड़, वो तो दिक्कत है मैडम, वो तो दिक्कत है। अब देखो 2-2.5 साल कोविड की वजह से दुकानें बंद थी, धंधा नहीं था, अब दुकानें खुली हैं, काम का टाइम हुआ है, तो ये प्रेशर एक अलग है, उसको भाई लेना पड़ेगा, उसको भी तो लेना पड़ेगा, ये पड़ेगा जो चीज़। अब अगर आप दायरे में लोड दे रही है, लोड लेना पड़ेगा, वो चीज़ नहीं है मैडम, आप उस चीज़ को लिंक मत करो, वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। अगर आप दायरे में तो कोई नहीं छेड़ेगा दायरे से बाहर। लिंक कहाँ कर रही हूँ आप बताइए, महंगाई और दुकान रोजगार ये क्या मुद्दा नहीं है? वो तो सेम में आएगी, बट अगर आप ये कह रहे हो ना कि सरकार इस पे हमको मार दे रही है, तो भाई मार हमको इसलिए दे रही है कि हम अगर अपनी एरिया से बाहर आ रहे हैं तो दिक्कत हो रही है, अगर बाहर नहीं आ रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगी ना। ये भगवान को मानते हैं मैम? तभी जी रहे हैं। भगवान, किस भगवान को मानते हैं? श्री राम को मानते हैं? बाबा को बिल्कुल मानते हैं मैडम। श्री राम जी को बिल्कुल मानते हैं। श्री राम जी की मूर्ति सामने दिखा दीजिए इनकी, श्री राम जी की मूर्ति भी रखी हुई है, श्री राम जी को मानते भी हैं।
दुकान भी सुरक्षित है, सामने आ जाइए और लोगों से भी बात कर लेते। अभी इन्होंने तो बात करने से मना कर दिया है। बात नहीं है ना, मतलब ठीक है, जो आप भी अच्छा अच्छी बात कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सही कायदे की बात कर रहे हो, वो दिक्कत नहीं है। सामने देखिए, आप देख सकते हैं बारी बारी से लाइन टूटती आ रही है, पुलिस फोर्स मौजूद है, किस तरीके से लोगों को धमकाया जा रहा है। सामने अभी इनकी भी दुकान है, ये एक और बैठे हुए हैं, सामने दिखा दीजिए, क्या नाम है आपका भाई साहब, बता देना। ये बात नहीं करेंगे, ये इनकी भी दुकान है, इसी इसी कतार में आपकी भी दुकान है भाई साहब, है ना। आपको मिला है ऑर्डर, आपको भी तोड़ने का बोला गया है, आपको हटाने की दुकान बोलना नहीं चाहते हैं, इनकी दुकान सुरक्षित है इसलिए बोलना नहीं चाहते हैं। सामने और भी दुकानें हैं जो फ्रंट से, अभी सामने जो ट्रक देख सकते हैं एमसीडी का लगा हुआ है, जिसका सामान उठा उठा कर अंदर डाल दिया गया है। अभी ये लाइन से ही दुकानें बनी हुई हैं, जिसमें 2 से 3 दुकानें छोड़ दी गई हैं, मगर वही लाइन है, वही कतार है, उसी लाइन के कतार के ही अंडर में ये सारी दुकानें आती हैं। सामने ये देख लीजिए, इनकी दुकान पे शायद हो सक तोड़फोड़ चालू हो चुकी है, शायद फूल वाले जी हैं, इनकी फूल वाले फूल वूल लगा रखी है। और जो है ये आपकी दुकान है जी, मेरी दुकान। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, आपकी दुकान तोड़ने का ऑर्डर आ गया है? नहीं नहीं, हमारी दुकान में तोड़ने का कोई ऑर्डर नहीं आया। नहीं नहीं, ऑर्डर है आपके पास? हाँ, हमारे पास लाइसेंस है, ऑथराइज 4 दुकानें हैं, 1, 2, 3 और 4 दुकानें हैं जो ऑथराइज है, लाइसेंस है, उसका किराया वगैरह जमा होता है एमसीडी से। कितना किराया देते हैं? कोई लगभग 5,000 समथिंग होता है। 5,000 लगभग देते हैं आप? तो आपको अभी क्या बोल के जो है सुरक्षित? नहीं, वो ही क्या, थोड़ा तिरपाल ऊपर बढ़ाया हुआ था, वो हटवा दिया उन्होंने। और क्या है, तिरपाल ऊपर करवा दिया है? तिरपाल हटवा दिया है। भगवान को मानते हैं? भगवान को मानते हैं मैडम। 40 आती है, हनुमान 40? हाँ आती है, पूरी आती है, पूरी आती है। परम भक्त है? बिल्कुल परम भक्त जो है। अब भक्ति कहीं ना कहीं जवाब दे रही है, जिस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है। देखिए मैडम, इसमें ये सरकार जाने ये जाने, हम क्या कर सकते हैं बताइए। अब सरकार क्या जाने, सरकार आम जनता के ऊपर बुलडोजर ला के चला दे रही है। नहीं, वो तो है आम जनता, आम जनता है, लेकिन वो सरकार क्या करेगी, वो भी कोर्ट के ऑर्डरों का आदेश का पालन कर रहे हैं, क्या करें। कोर्ट के ऑर्डर का, कोर्ट में केस है, केसों पे जो ऑर्डर, एमसीडी जो है सरकार, केंद्र सरकार के अंडर आती है, केंद्र सरकार के अंडर आती है, लेकिन मैडम जो ऑर्डर का पालन तो वो ही कर रहे हैं जो कोर्ट के ऑर्डर उनके पास में, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं ना। मर्जी से नहीं हो रहा? नहीं, अपनी मर्जी से कुछ है आप? नहीं, खुश क्या है, देखो नुकसान हर गरीब का हो रहा है, हम किसी की खुशी से क्या खुशी होना है, जो कमा रहे खा रहे हैं, हर एक का इंसान का नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी मजबूर है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गरीब लोगों के ऊपर ही बुलडोजर चल रहा है। लगता तो यही है कि गरीब के ऊपर ही, यार मीडियम क्लास पे बुलडोजर चला, गरीब है क्या, गरीब तो दो हाथ फैलाने गरीब तो वो हैं जो हाथ से फैला के मांग रहे हैं, बाकी मीडियम क्लास है जो कमा के खा रहा था, उसको नहीं मिल रहा है, कमी हो गई है, काम एकदम लॉकडाउन के मारा हुआ है, और बाकी ऊपर दूसरा सा ये काम, गर्मी और दूसरा तीसरा ये कि थोड़ी परेशान। नेशनल मीडिया पे आप लगातार खबरें तो देख रहे होंगे, तो सर कहाँ कहाँ चल रहा है पता होगा? हाँ चला है, कुछ शाहीनबाग वगैरह, मंगोलपुरी वगैरह कहीं चले हैं, इस तरह NFC तो सुनाई सुना आपने कि पौश इलाके में भी बुलडोजर गया अतिक्रमण के नाम पे, वहाँ पे भी तोड़फोड़ हुई? नहीं ऐसा तो कुछ मेरे ख्याल में समझ में आई नहीं, पर NFC में सुना है कुछ हुआ है वहाँ पर। कहाँ पर हुआ है? न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी महारानी बाग की तरफ भी कुछ हुआ है। सिर्फ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो है हुआ, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ देखा? कॉलोनी एक कैटेगरी में आती है, बाकी एक कैटेगरी में आती है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, एक कैटेगरी में आती है, बावजूद उसके जो है वहाँ पे गए दिखाने के लिए, मगर तोड़फोड़ नहीं हुई है, आपने देखा? मैं भी, क्योंकि उन्होंने शायद उस तक पहले ही हटा लिया हो। पहले ही हटा लिया, पूरा खबरों में दिखा रहे हैं लगातार, वहाँ पे अतिक्रमण हो रखा है, अवैध निर्माण हो रखा है, थोड़ा बहुत डंडे फंडे चलाए हैं, मगर आप लोगों की जो गरीब लोग हैं उसके ऊपर बुलडोजर चल जा रहे हैं। तो इसमें आप लोग दिखाइए ना, मेरे को तो आंखों से दिखाई नहीं देता, मैं तो ब्लाइंड आदमी हूँ। ब्लाइंड है आप? और यहाँ दुकान तो चलाते हैं? हाँ ये मेरी दुकान है, मैं कब से चला रहे हैं? 15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए। हाँ जी हाँ जी। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम कृष्ण कुमार है, कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी से हमने बात की, 15 साल से ये दुकान चला रहे हैं और ब्लाइंड भी हैं, और इसी से इनका गुजर बसर चलता है। लगातार यहाँ पर बुलडोजर जो है नहीं आया था, मगर एमसीडी की
गाड़ी और ट्रक खड़ा हुआ था। इनकी दुकानें अतिक्रमण के नाम पर तोड़ दी गई, मगर इसी कतार में और भी दुकानें हैं जिनको ये बोलकर छोड़ दिया गया कि आपकी अतिक्रमण के अंदर में नहीं आती है, उनके पास ऑर्डर है, ऐसा बोलकर उनकी दुकानें छोड़ दी गई। लाइसेंस है ना सरकार के, आप बोल नहीं रहे थे। नहीं मैं बोलने, बोलना पड़ेगा भाई साहब, अगर बोलेंगे नहीं तो कैसे हो। बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन आप जो वो बोल रहे थे ना उसकी वजह से हमें बोलना पड़ रहा है कि देखो जो जैसे अब बिल्डिंग अलाउ है तो वो बिल्डिंग अब ये क्वार्टर बनाए हुए हैं तो बनाए हुए हैं ना, तो उनको थोड़ी जाके तोड़ रहे हैं कहीं भी। जो सारी चीज़ें उनकी अपनी वो तरीका होता है कि भाई जो ऐसे बैठे हुए हैं या कुछ है वो उस तरीके से कर रहे हैं, अब उनका निशाना होता है उसमें सभी लपेटे में तो सब निशाना, निशाना किस पे है, सभी जगह पर है वो, बोल दीजिए वो सबका पता है सब चीज़ जो भी है। बोलना चाहते हैं मगर बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा ही दर्द दे रखा है सरकार ने इन लोगों को। बोलना सब कोई चाहते हैं मगर बोल नहीं पा रहे हैं, कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पा रहे हैं, दिल में दर्द है मगर देख बोल नहीं सकते। यही दुविधा है हमारे देश की कि बोल नहीं पा रहे हैं। इन्हीं की दुकान है, इन्हीं की दुकान तोड़ी जा रही है मगर बोल नहीं पाएंगे। भाई साहब ने अभी मैंने एक शब्द गलत बोला तो आ गए कैमरे के आगे बोलने लगे, इससे पहले वो बच रहे थे बोलने के लिए। इसी तरीके से मैं आपको दिखाती रहूँगी किस तरीके से अतिक्रमण के नाम पर जो बुलडोज़र का पंजा चल रहा है, आप समझ लीजिए पाँचों उंगलियाँ घी में है और सर कढ़ाई में है, और किसका सर कढ़ाई में आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से खबरें दिखाती रहूँगी, देखते रहिए जनित आवाज़ नई दिल्ली।